दोस्तों, स्वागत है आपका पवन मोन्टेस चैनल में। और मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपको इस योजना के बारे में कुछ बातें बता देता हूं। ये योजना 25 जून 2015 को स्टार्ट की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि 2022 तक हर एक गरीब परिवार का अपना घर होना चाहिए। अगर आप भी एक गरीब परिवार से हैं और आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में इस योजना में आवेदन करने का कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिससे आप इस योजना को घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप सीधा इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आ जाने के बाद आपको ऊपर कई सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे, जिसमें सेकंड ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा सिटीजन असिस्टमेंट। के नीचे आपको कई ऑप्शन होंगे, इसमें आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा बेनिफिट अंडर अदर 3 कंपोनेंट्स। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी या आपके पास वर्चुअल आईडी होनी चाहिए। इन दोनों में से आपके पास कोई भी एक चीज है। यहाँ पे आपको दो कॉलम मिलेंगे। इसमें फर्स्ट में आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है और सेकंड में आपको अपने आधार में जो नेम है वो फिल कर देना है। चलिए हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। आधार नंबर और नेम फिल हो जाने के बाद नीचे आपको चेक बॉक्स मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा चेक का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। चेक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सर्वे फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, इसको आपको फिल कर देना है। मैं आपको इसको फिल करने का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसमें कई ऐसे ऑप्शन है जो आपको फिल करने में दिक्कत आ सकती है। चलिए मैं आपको फॉर्म भरना बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा स्टेट का, इसमें आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। स्टेट चूज हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चूज हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा सिटी का, यहाँ पे आपको अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। सिटी सिलेक्ट हो जाने के बाद आपसे नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जाएगा क्या आप योजना क्षेत्र या विकास क्षेत्र से हैं, तो आपको यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपका नेम खुद शो हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपना फादर नेम फिल कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा परिवार के मुखिया की आयु, यहाँ पे मुखिया की आयु आपको फिल कर देनी है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको प्रेजेंट एड्रेस कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करनी होगी, यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देना है। और राइट साइड में आपसे पूछा जाएगा परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स शो हो रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपका आधार नंबर शो हो जाएगा और राइट साइड में आपको परिवार के मुखिया का नाम आधार कार्ड के रूप में ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसमें आपका नेम खुद ही फिल होकर आएगा। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अदर आई डी टाइप, अगर पास आपके पास कोई भी अदर आई डी है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जो भी जैसे हमारे पास वोटर आई डी वगैरह है इसको आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको वोटर आई डी चूज हो जाने के बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन और शो हो जाएगा, इसमें आपको अपने वोटर आई डी कार्ड का जो भी नंबर होता है वो फिल कर देना है। इसको फिल करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा परिवार के सदस्यों का विवरण, इसमें आपको जितने भी आपके परिवार में फैमिली मेंबर हैं उसका विवरण आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। यहाँ पे आपको संख्या फिल कर देनी है, नेक्स्ट ऑप्शन में नेम फिल कर देना है और नेक्स्ट ऑप्शन में आपको रिलीजन संबंध आपका उससे क्या है वो फिल कर देना है, उसका जेंडर क्या है वो फिल करना है, नेक्स्ट में आपको आयु और उसके नेक्स्ट में आधार नंबर आपको फिल कर देना है। अगर कोई अदर आईडी है वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है नेक्स्ट ऑप्शन में। उसके नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अन्य विशिष्ट पहचान संख्या यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट और फैमिली मेंबर ऐड करना तो यहाँ पे लास्ट में आपको ऐड का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पे ऐड पे क्लिक करके आप और मेंबर ऐड कर सकते हैं। तो नीचे एक ऑप्शन मिल रहा होगा रिलीजन धर्म, यहाँ पे आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको कास्ट जाति, यहाँ पे आपको अपनी जाति सेलेक्ट कर लेनी है। नीचे आपको अपनी बैंक डिटेल फिल कर देनी है, यहाँ पे बैंक डिटेल्स मांगी गई है, यहाँ पे आपको पूरी अपनी बैंक डिटेल फिल कर देनी है। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्या विकलांग है, यहाँ पे आपको नो कर देना है, अगर आप विकलांग है तो यस कर देना। उसके नीचे आपसे एक ऑप्शन पूछा जा रहा है क्या परिवार के पास भारत में कहीं पे भी अपना मकान है, यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रोजगार की स्थिति, यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा परिवार की औसत मासिक आय क्या है, यहाँ पे अपनी मासिक आय आपको फिल कर देनी है। क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है तो यस पे क्लिक कर देना है, वरना नो पे क्लिक कर देना है। अगर है तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन में बीपीएल कार्ड संख्या फिल कर देनी है। उसका नेक्स्ट ऑप्शन पूछा जाएगा परिवार की आवास आवश्यकता क्या है,
यहाँ पे आपको ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना है न्यू हाउस। उसके बाद आपको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक कैप्चर शो हो रहा होगा, एक कैप्चर आपको यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में फिल कर देना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके फॉर्म भर के नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है और आपको इसका स्टेटस चेक करना है तो इसके लिए आपको वापस होम पेज पर जाना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका स्टेटस कैसे चेक करना है। होम पेज पे वापस आ जाने के बाद आपको वापस उसी ऑप्शन पर जाना है सिटीजन असेसमेंट पे, और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट असेसमेंट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। प्रिंट असेसमेंट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दो तरीके से चेक कर सकते हैं, या आपके पास जो आपने सबमिट किया उसके बाद आपको आईडी मिली होगी उसके द्वारा, या आप अपने नेम या फादर नेम मोबाइल नंबर द्वारा सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। पहले हम नेम वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना स्टेट नेम चूज कर लेना है, नीचे की ओर आपको सिटी चूज कर लेनी है, उसका नेम फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर चूज कर लेना है और राइट साइड में आपको डिस्ट्रिक्ट नेम और नेक्स्ट में फादर नेम, इन सब कॉलम को फिल करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका स्टेटस शो हो जाएगा कि आपका स्टेटस पेंडिंग में है या अप्रूवल हो चुका है। इस तरीके से आप प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण आवास योजना में आवेदन करना चाहते हैं, इसके लिए आप ऑनलाइन नहीं आवेदन कर सकते। आपको इसके लिए अपने पंचायत के प्रधान के पास जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाकर उससे बोलना पड़ेगा कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करना है, वो आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।